लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं और वो टॉपिक है एमएस एक्सेल का फिल्टर ऑप्शन। एमएस एक्सेल के डेटा टैब में फिल्टर नामक ऑप्शन पाया जाता है और फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग कई ढंग से करते हैं और ये किसी भी लिस्ट में से कंडीशन के आधार पर किसी डेटा को हटाने का कार्य करता है, छाटने का काम करता है। फिल्टर ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन पाए जाते हैं, उसको हम एक एक करके आज देखेंगे। तो अगर आपको पहले किसी डेटा को फिल्टर करना है तो सर्वप्रथम आप एक लिस्ट बना लीजिए ताकि उसमें हम फिल्टर करके देख सकें। आइए देखते हैं, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं हम, एक नंबर लिस्ट। ये हमने एक नंबर्स का बना दिया, यहां कुछ नाम का भी बना देते हैं। टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर दोनों लें, इसलिए हम दोनों लिस्ट टाइप कर ले रहे हैं। ओके, ये आपका हो गया। अब आपको हम दिखाते हैं, पहले आपको नंबर फिल्टर लेना है तो आप इसको यहां से ले लीजिए, फिल्टर में चलिए और यहां देखिए फिल्टर ऑप्शन आपका यहां लग चुका है। ये सारे आपके नंबर से दिखा रहे हैं और ये अब इस पर किसी पर भी अगर आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, किसी पर भी अगर आप जिसे इस अक्षर पर क्लिक करेंगे, इस अक्षर पर क्लिक किया आपने और नीचे जाके अगर आपने ओके कर दिया, ये जो 14 है वो आपके लिस्ट में से देखिए गायब हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे, लाना है, फिर से 14 पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका 14 फिर से आ जाएगा। ये तो एक नॉर्मली फिल्टर का तरीका हो गया। अब देखिए, जैसे मुझे इस लिस्ट में से केवल वही नंबर्स देखने हैं जो 50 से बड़ा हो, नंबर फिल्टर में चलिए। यहां देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर बराबर देखना हो, बराबर नहीं है वो देखना हो, बड़ी देखना हो, बड़ा या बराबर देखना हो, छोटी वैल्यू देखनी हो, छोटी या बराबर वैल्यू देखनी हो, बीच की वैल्यू देखनी हो, हमें बड़ा देखना है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन आपका आ गया, अब यहां पर आ गया कि ग्रेटर देन किससे, 50। जैसे आप ओके करेंगे इस लिस्ट में 50 से बड़ी वैल्यू ही दिखाई देगी। देखा आपने 78 और 66 है ना, बहुत कमाल का ऑप्शन, बहुत कमाल का। इस तरह अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि भाई उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बताइए जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो, तो उस लिस्ट में आप इस फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके उस लिस्ट में उन लोगों का देख सकते हैं कि कितने लोग की सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ये आप जान लीजिए, यहाँ जाके अगर आप नंबर फिल्टर पर यहाँ जाके ये हटा देंगे, इसको आप हटा देंगे, ओके सॉरी, फिर से नंबर फिल्टर आप यहां सेलेक्ट कर दीजिए, ओके फिर से आपका आ जाएगा। अब अगर आपको वो गिनती जान, वो नंबर्स जानना हो जो सपोज दैट 15 से लेकर 50 के बीच में हो, तो यहां चलिए नंबर फिल्टर में चलिए, यहां देखिएगा बिटवीन ऑप्शन आपको दिखेगा, ये ध्यान से देखिए बिटवीन ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहां पर डालिए 15, यहां पर डालिए, अच्छा ये तो मैंने बिटवीन वाला ऑप्शन करिए, करंट डज नॉट इक्वल इज ग्रेटर देन इज लेस देन आर इक्वल टू इज, फिर से ये हमने फिर से हम इस पर चलते हैं नंबर और यहाँ पर लेते हैं बिटवीन। हाँ बिटवीन में अभी करा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है 50 के बड़ा 15 से लेगा ये और ये कहाँ तक तो लेगा 50, मतलब 15 भी देगा 50 भी देगा, इसके बीच की गिनती देगा। देखिए 45 दिया 50 दिया, इसके बीच कोई गिनती नहीं है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और फिल्टरिंग के ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। और देखिए जब फिल्टर होता है तो पूरे टेबल में लागू करता है, देखिए वो इस पर भी लागू कर रहा था। अब आइए हम यही चीज हम देखते हैं इस टेक्स्ट फिल्टर में। देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए कहीं टेक्स्ट फिल्टर लिख के नहीं आ रहा है, आप देखिए
एक्सेल एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा काम करता है। जब नंबर देंगे लिस्ट में केवल नंबर है तो केवल नंबर फिल्टर दिखाई देगा, अगर लिस्ट में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट फिल्टर दिखाई देगा। अब आपको दिखाते हैं, अब इस लिस्ट पर चलिए और इस लिस्ट पर अभी फिल्टर लगाइए। अब देखिए ध्यान से, ये खासियत है एक्सेल की। अब इसमें देखिए केवल आपका टेक्स्ट फिल्टर दिखाई दे रहा है, चूंकि इसमें सब टेक्स्ट लिखे गए हैं। अब किसी टेक्स्ट को हटाना है, कमल पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। देखिए कमल इस लिस्ट में से हट गया। वापस फिर से लाना है, कमल पर क्लिक करिए ओके कर दीजिए, आपका फिर से आ गया, वो ऑप्शन फिर से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एडवांस फिल्टर करना है। जैसे हम चाहते हैं कि हम इस लिस्ट में से केवल वही नाम देखें जो आर से शुरू हो रहा हो, आर से बिगिन विथ पर क्लिक करिए, नाम डालिए आर। ओके, देखिए राम, राजन और रमेश, ये तीन ऐसे नाम है जिनकी स्टार्टिंग आर से हो रही है। ये है बेजोड़ बात इसकी। फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सब आ जाएगा आपका। फिर से अगर हमें कुछ और भी देखना टेक्स्ट फिल्टर में, इंड विथ, हमें वो नाम देखना है जो कि यन से खत्म हो रहा हो, इंड विथ यन। अब देखिए राजन, मोहन और सोहन, ये तीनों के नाम में लास्ट में यन है इसलिए वो डिस्प्ले कर रहा है, ये इसकी एक बेहतर बात है। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये था प्लस, ये तो था नंबर और फिल्टर करके। ऐसे अगर कलरिंग हो, जैसे अगर आप इसको कलर कर दीजिए, मान लीजिए यहां चलिए और टैब कलर कर दीजिए, यहां चलते हैं, मान लीजिए हमने कलर कर दिया, इसको लिया एक कलर कर दिया, इसको लिया एक कलर, ये एक कलर, सॉरी ये एक कलर, ये एक कलर। आपको, आप जानिए कि अगर इस पर अब आप फिल्टर देखते हैं, फिल्टर लागू करते हैं, ये देखिए, अब देखिए इसमें कलर किया है। अब ये कलर फिल्टर का अलग से ऑप्शन आ जाएगा, ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। ये देखिए फिल्टर बाय कलर, ध्यान से देखिए, और जितने कलर आपके लिस्ट में यूज किए हैं, अब ये आ गया। अब ये अगर इस पर जैसे येलो पर क्लिक करेंगे तो केवल येलो वाले आपके डिस्प्ले होंगे। यहां चलिए फिल्टर विद कलर में, यहां पहले सेलेक्ट ऑल करिए, ओके कर दीजिए। अब यहां पर चलिए, अब रेड पर क्लिक करिए, देखिए रेड वाला आ जाएगा। ये भी एक है, मतलब फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग आप कलर के आधार पर भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग कई तरीकों से आप कर सकते हैं। एक मैंने आपको पूरा ढंग बता दिया फिल्टर ऑप्शन से क्या होता है। जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं, उसमें किसी की सैलरी के आधार पर छांटना पड़ता है या किसी को रोल नंबर के आधार पर छांटना पड़ता है, नाम के आधार पर फिल्टर करना पड़ता है, कलर के आधार पर फिल्टर करना पड़ता है। तो हम बहुत आसानी से इस फिल्टर का विकल्प करके, इस फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके उस कार्य को कर सकते हैं। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।